नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्मान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, जनवरी मास के दूसरे सप्ताह में हम चलते हैं। पहला सप्ताह बड़ा सुखदायक गुजरा होगा। दूसरे सप्ताह के अंतर्गत मेष राशि वालों के लिए बहुत उत्तम है। धन धान से परिपूर्णता रहेगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा। इस सप्ताह के अंतर्गत आपने क्या करना है, यदि आप करना चाहो तो कृपा करके वस्त्र का दान करें, बड़ा लाभ मिलेगा। वृष राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा कष्टकारी है। शरीर का ध्यान रखें, वाहन इत्यादि को सचेतता से चलाएं और परिवार में हो सकता है कोई कहासुनी हो जाए, तो इसलिए आपने सप्ताह के अंतर्गत भगवान शंकर जी की आराधना करनी है। भगवान शंकर जी का ध्यान करें तो परमात्मा आपके कष्टों का निवारण कर लेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत ठीक है, उत्तम है। परिवार में सुख आनंद रहेगा, धन धान्य की वृद्धि रहेगी और यात्रा के योग बनते हैं, कहीं आपको भ्रमण करने के लिए जाना पड़ जाए। कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा है, लाभकारी है। चंद्रमा अर्थात मन का घोतक होने के कारण शुभदायक रहेगा, यात्रा के योग बनते हैं और मित्रों से सहयोग पूर्ण मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत लाभकारी है, धन धान्य से परिपूर्ण है, मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा, परिवार में सुख आनंद रहेगा और नई विचारधारा आपके जीवन में पदार्पण करेगी। इसलिए इस सप्ताह के मन चित्त से आप लाभ लीजिए, बहुत फायदा होगा। कन्या राशि वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा है, लाभकारी है, उत्तम है, धन धान से परिपूर्ण है, मित्रों से सहयोग रहेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहें। इसलिए आपने क्या करना है, भगवान गणेश जी की आराधना कीजिए। ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप कीजिए, बड़ी सफलता प्राप्त होगी। तुला राशि वालों के लिए समय बहुत लाभकारी है, धन धान्य से परिपूर्ण है, यशमान में वृद्धि है, मित्रों से सहयोग मिलेगा, परिवार में आनंद की प्रतिभूति बनी रहेगी और मन प्रफुल्लता से भरा रहेगा। नई विचारधारा योग के कारक बनती है, इसलिए इस सप्ताह के अंतर्गत यदि आपने करना है, माँ भगवती का ध्यान कीजिए, बड़ी सफलता प्राप्त होगी। तुला के बाद चलते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय लाभकारी है, धन धान्य से परिपूर्ण है, मित्रों से सहयोग रहेगा, यात्रा के योग बनते हैं, भ्रमण करने में आपको थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, इसलिए शरीर का ध्यान रखें। वृश्चिक के बाद चलते हैं धनुराशि में। धनुराशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, लाभकारी है, धन धान्य से परिपूर्ण है, मित्रों से सहयोग रहेगा और अनेक प्रकार की सफलताएँ आपके चरण चूमेगी। धनु के बाद चलते हैं मकर राशि में। मकर राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा कष्टकारी है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और चिंतन का विषय यह है कि कोई ना कोई आदि व्याधि आपके शरीर में आपको परेशान करेगी, इसलिए अच्छी सलाह, अच्छी नेक नियति से कर्म कीजिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। मकर के बाद चलते हैं कुंभ राशि वालों के साथ में। कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, लाभकारी है, योग उत्तम है, यात्रा के योग बन सकते हैं और नए व्यवसाय की रूपरेखा बन सकती है। कुंभ के बाद चलते हैं मीन राशि में। मीन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, लाभकारी है, धन धान्य से परिपूर्ण है। याद रखिए, आप जहाँ पे कार्य करते हैं थोड़ा सचेत रहें, कोई आपकी चुगली कर सकता है, इसलिए अपने अगल बगल देख करके ध्यान रखते हुए कार्य कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। वाणी पर विराम दीजिए, बड़े लाभ रहेगा। मित्रों, ये तो दूसरे सप्ताह के अंतर्गत सभी राशियों का फलादेश है। अब इस सप्ताह में क्या करना चाहिए, इस सप्ताह के अंतर्गत यदि आप कुछ करना दान करना चाहते हैं, तिल का दान कीजिए, मिठाई का दान कीजिए और हो सके तो थोड़ा सा आपने जल में जब स्नान करते हो, जल में थोड़ा सा हल्दी डाल करके स्नान कीजिए, आई कई प्रकार के रोगों का निवारण होगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।